spoon oil. इसको हम इधर आके देखो, इसको हम गोल्डन होने तक स्टर करेंगे। जब तक ये गोल्डन है मैं आपको बाकी दिखा देती हूँ। इधर आओ, ये हमने 3 टमाटो लिए हैं और इसके साथ 3 ग्रीन चिल्लीज, इसको भी हमने ग्रेट कर लिया है। इसको ग्रेट मैंने करने से पहले गैस के ऊपर इसका इसको भून लिया था ताकि इसका छिलका उतर जाए आराम से। मैंने इसको पीनट्स और कैशू नट्स को ड्राई रोस्ट किया, अभी इसका हम पाउडर बनाएंगे। सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हमने अदरवाइज सब्जी जो है शिमला मिर्च की आलू के साथ खाई होगी या पनीर के साथ खाई होगी, लेकिन अकेले कभी नहीं। तो आज हम सिर्फ अकेले बना रहे हैं शिमला में। क्योंकि गोल्डन होने लगते हैं देखेंगे
इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 हरी मिर्चें भी यूज की है, तो मैं थोड़ी डालूंगी। नमक स्वाद अनुसार। मैं इसमें जिंजर यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं जिंजर पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा। मसाले अभी हो रहे हैं, इसमें ये टमाटर डाल देंगे। इसके मसाले में शक्ल ही उतरानी होगी। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। देखिए टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर दही मिलाएंगे। दही मिलाने से पहले गैस को सिम पे कर लीजिएगा। मैं घर की कर्ड यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। कर्ड मिलाने के बाद आपको इसको लगातार मिलाना होता है, नहीं तो कर्ड फट जाती है। अब इसको आपको 2 मिनट तक ऐसे ही मिलाना पड़ेगा ताकि कर्ड फट जाए।
कर्ड से भी इसमें खट्टा बन जाएगा थोड़ा सा। देखिए कर्ड इसमें बिल्कुल मिल चुकी है और पक भी गई है। कर्ड के पकते ही हम इसके अंदर जो हमने पीनट और कैशियो का बनाया था, ग्राइंड किया था, उस मसाले को डालेंगे। ये पीनट्स और कैश्यू का पाउडर है जो हम इसमें डाल रहे हैं। इसमें आपको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही ड्राई रोस्ट किया था। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ये उठा लूं भाई। हम्म, पानी आ गया अभी नहीं बना बेटा। अब हम इसके अंदर अपनी कैप्सिकम डाल देंगे। कैप्सिकम हमने पहले ही काट के रखी हुई है। कैप्सिकम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मैंने इसमें 4 कैप्सिकम काट के डाली है। अब हम कैप्सिकम को इसमें पकने देंगे। शुरू नहीं हो रहा क्या? हाँ। शिमला मिर्च हमारी 3/4 पक चुकी है। अब हम इसके अंदर ये अनियंस डालेंगे। मैंने इनको स्लाइस कर दिया थोड़ा सा मोटा मोटा, जैसे हम चिल्ली पनीर के लिए करते हैं।
इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो पानी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छी लगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अभी इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि शिमला मिर्च भी अच्छे से हो जाए और प्याज भी। अब ये सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। इधर ही रख लो। दोस्तों ये सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। गैस हमने बंद कर दी है और अब हम इसे निकाल सकते हैं खाने के लिए।